नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। 18 अप्रैल को 5 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। पहले चरण के लिए उम्मीदवार कल तक ले सकते हैं नाम वापस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास आज सहरसा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई, फसलों को हुआ व्यापक नुकसान। और शराब के नशे में पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा, पुलिस वाले शराब के नशे में मिले तो उनकी जाएगी नौकरी। 18 अप्रैल को 5 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज नामांकन पत्रों की जाँच होगी। उम्मीदवार 29 मार्च तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। इस चरण के तहत किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका संसदीय क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार सबसे अधिक बांका संसदीय क्षेत्र से 23 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। पूर्णिया और भागलपुर से 17-17, किशनगंज से 16 और कटिहार से 15 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। वहीं पहले चरण के तहत 4 संसदीय क्षेत्रों नवादा, जमुई, गया और औरंगाबाद में 47 उम्मीदवार अब चुनाव मैदान में बचे हैं। नामांकन पत्रों की जांच के बाद 13 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द कर दिया गया। इस चरण के तहत नाम वापसी की अंतिम तिथि कल तक निर्धारित है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास आज सहरसा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अलावा संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी और जिलों के डीएम तथा पुलिस अधीक्षक बैठक में उपस्थित रहेंगे। तीसरे चरण के लिए 23 अप्रैल को सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, झंझारपुर और अररिया में मतदान होना है। 28 मार्च से इन क्षेत्रों में नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आज शाम पटना में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। महागठबंधन में सीटों के चयन को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। मुख्य रूप से उत्तर बिहार की लगभग 12 सीटों पर या तो पार्टी या फिर उम्मीदवारों के चयन को लेकर स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। दरभंगा संसदीय सीट पर कांग्रेस और राजद दोनों अपनी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा है कि दरभंगा सीट किसी और दल को देने का सवाल ही नहीं उठता है। वहीं राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस सीट पर उठे विवाद को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। वहीं मुजफ्फरपुर, शिवहर, पूर्वी चंपारण, वाल्मीकिनगर, उजियारपुर, नालंदा, सुपौल और सीतामढ़ी लोकसभा सीटों को लेकर भी यह बात स्पष्ट नहीं हो सकी है कि यहां से किस दल के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। मधुबनी और झंझारपुर सीट पर भी प्रत्याशियों के चयन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। सीतामढ़ी से एनडीए के जदयू प्रत्याशी डॉक्टर वरुण कुमार और सिवान से जदयू उम्मीदवार कविता सिंह पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी प्रमुख मायावती समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हैं। पूर्वी चंपारण जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी रमण कुमार साइकिल से लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं। श्री कुमार घर घर जाकर लोगों से वोट करने की अपील कर रहे हैं, साथ ही वे स्कूलों में जाकर बच्चों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि वे अपने अभिभावकों को वोट देने के लिए तैयार कर सकें। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने शराब के नशे में पकड़े गए 10 पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत होली तक पकड़े गए पुलिसकर्मियों को 31 मार्च तक बर्खास्त करने का आदेश दिया गया है। साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया है कि 31 मार्च के बाद जो भी पुलिसकर्मी शराब के नशे में पकड़े जाएंगे उन्हें 3 दिनों के भीतर बर्खास्त कर दिया जाएगा। निगरानी जांच ब्यूरो ने गया के पूर्व खान निरीक्षक मोतीलाल सिंह पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। ब्यूरो की टीम को आरोपी की लगभग 1.5 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति का पता चला है। कल देर शाम तक पटना में मोतीलाल सिंह के शिवपुरी स्थित आवास पर की गई छापेमारी के दौरान जमीन से जुड़े कई दस्तावेज, 1.5 लाख रूपये से अधिक नकद, लाखों रूपये के जेवरात, 14 बैंक पासबुक और 2 हथियार बरामद किए गए। आरोपी को 2009 में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे वर्ष 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
सृजन घोटाला के एक मामले में भागलपुर भू अर्जन विभाग के तत्कालीन अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिंह ने पटना स्थित सीबीआई कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। औरंगाबाद जिले के ओबरा, नबीनगर, माली और अम्बा थाना क्षेत्रों में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं नालंदा जिले के करायपुर सराय और परवलपुर थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत की खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि बारिश के कारण खेतों में लगी खड़ी फसल और आम लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। गोपालगंज, सीवान, छपरा, बेगूसराय और नालंदा समेत कई जिलों में तेज हवा के कारण पेड़ और बिजली के खंभे गिर गए। इधर मौसम विभाग ने आज भी कई स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। 30 मार्च के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से हल्की बारिश हो सकती है। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कल आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। रेलवे भर्ती सेल दीघा से जारी सूचना के अनुसार अब यह परीक्षा 3 अप्रैल को होगी। वहीं आज होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा भी 3 अप्रैल को ही होगी। 28 मार्च को होने वाली परीक्षा 4 अप्रैल को, 29 मार्च को होने वाली परीक्षा 5 अप्रैल को और 30 मार्च को होने वाली परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। वहीं 31 मार्च, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल को होने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के स्कोर को 3 साल के लिए मान्यता दी है। अब तक नीट स्कोर 1 साल के लिए ही मान्य था। पटना के गांधी मैदान में 2013 में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में अंतिम बहस की सुनवाई शुरू हो गई है। 2003 में आयोजित बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के मामले में पटना की एक अदालत ने 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष कारावास और 10-10 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र अंतर्गत मखदूमपुर से पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। वहीं औरंगाबाद जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई ने समस्तीपुर स्थित एक बैंक से फर्जी कागजात के आधार पर 46 लाख रुपए लोन लेने के आरोपी मुकेश कुमार और बैंक शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। मुजफ्फरपुर शहर स्थित जिला परिषद मार्केट में एक कपड़े की दुकान से 27 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। मामले की जांच के लिए उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के देवरसौखी गांव में पुलिस ने अभियान चलाकर दर्जनों शराब भट्ठी को नष्ट कर दिया। मौके से भारी मात्रा में शराब बनाने में प्रयोग होने वाले कच्चे सामान जब्त किए गए हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान लिखता है महागठबंधन के दलों में सीटों पर जीत बरकरार, कांग्रेस और राजद में न्यूरा कुश्ती जारी, दरभंगा और सुपौल में स्थिति पेचीदा। दैनिक जागरण की सुर्खी है भाजपा ने यूपी में मुरली मनोहर जोशी सहित 6 और सांसदों के टिकट काटे। दैनिक भास्कर ने लिखा है प्रदेश में बदला मौसम, कई जिलों में आंधी और पानी, ठनका से 6 की मौत, फसलों को नुकसान। प्रभात खबर की सुर्खी है गिरफ्तार बांग्लादेशी आतंकियों ने पूछताछ में किया खुलासा, पटना में मकान खरीदकर आतंकवादी सेंटर चलाने की थी योजना। राष्ट्रीय सहारा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान को प्रकाशित करते हुए लिखा है गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक साबित होगी न्याय योजना। आज की सुर्खी है साहित्यकार और नारीवादी रमणिका गुप्ता का निधन। और अब अंत में मुख्य समाचार। 18 अप्रैल को 5 संसदीय क्षेत्रों में होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। पहले चरण के लिए उम्मीदवार कल तक ले सकते हैं नाम वापस। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास आज सहरसा में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हुई, फसलों को हुआ व्यापक नुकसान। और शराब के नशे में पकड़े गए 10 पुलिसकर्मी सेवा से बर्खास्त, पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा पुलिस वाले शराब के नशे में मिले तो उनकी जाएगी नौकरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।